कोरोना वायरस के नए वेरिएंट का भारत में दस्तक देते ही भारत सरकार भी पूरी तरीके से मुस्तैद है और यहाँ पे नाक से देने वाली वैक्सीन को भारत सरकार ने अप्रूवल दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, भारत सरकार ने यहाँ पे नाक से देने वाली वैक्सीन का अप्रूवल दे दिया है। आप हॉस्पिटल्स में जाके नाक से देने वाली वैक्सीन लगवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको पैसे देने पड़ेंगे। ये दुनिया की पहली नाक से देने वाली वैक्सीन है। ये कोरोना वायरस के इन्फेक्शन और ट्रांसमिशन को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देता है और जिसके वजह से इन्फेक्शन को शुरुआती दौर में ही रोकने से पूरी तरीके से कारगर है। इसे भारत बायोटेक ने बनाया हुआ है और इसे आप एज ए बूस्टर डोज ले सकते हैं। और दोस्तों, खास बात यह है कि इस वैक्सीन में इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती और इसमें किसी तरीके की चोट लगने की भी खतरा नहीं है। साथ में इसमें हेल्थ वर्कर की भी कोई खास ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती। अभी दोस्तों अगर बात करेंगे तो इंडिया में वैक्सीन के दो डोजेस दिए जा रहे थे, लेकिन इस नेजल वैक्सीन आने के बाद ये सिंगल डोज कारगर रहेगा। दोस्तों, डॉक्टर्स की माने तो उनका कहना है कि ये ड्रॉप बिल्कुल पोलियो के ड्रॉप के जैसे ही है। बस 4 ड्रॉप नेजल नाक में जाएगा और ये पूरी तरीके से कोरोना वायरस को खत्म करने में पूरी तरीके से कारगर है और गवर्नमेंट अभी से एज ए बूस्टर डोज की तरह लेने वाली है। आपका दोस्तों इसके बारे में क्या कहना है कि क्या आपको लगता है कि सिंगल डोज नेजल वाला काम करेगा या नहीं, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए, आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।